इनकलाब जिंदाबाद 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 दिल्ली पुलिस कमिश्नर मुर्दाबाद 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद 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 का भाईचारा जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 दिल्ली पुलिस का झूठे मुकदमे वापिस लो वापिस लो वापिस लो नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ और फिलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज की टीम मौजूद है कोर्ट परिसर के सामने, जहां पर रिटायर कर्मचारी दिल्ली में जो दुर्घटना हुई पुलिस और वकीलों के बीच में, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग क्या है और सरकार से ये क्या चाहते हैं, इनसे मिलकर जानते हैं। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पुलिस संगठन ने दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच हुई मारपीट के संबंध में आज पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन शुरू किए हैं। उससे पहले भी, दो दिन पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे अगर पुलिस कर्मचारियों को न्याय नहीं मिला तो। हमारे 80,000 पुलिस कर्मचारी जो मौजूदा हैं, उनके फैमिली के मेम्बर और हम रिटायर्ड कर्मचारी जो 18,000 के करीब हैं, आज धरना प्रदर्शन पूरे हरियाणा में कर रहे हैं। इसी तरह से पूरे भारत में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, सभी में जो है धरने प्रदर्शन ये किए जा रहे हैं, क्योंकि वकीलों ने नजायज़ तरीके से पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। आखिर वो मुद्दा क्या था सर, किस वजह से वो मारपीट वो हिंसक रूप में बदला सर वो मुद्दा? मुद्दा कुछ नहीं था, ये एक मुद्दा वकीलों ने ये पुलिस का मनोबल गिराने के लिए जानबूझ करके वकीलों ने ये मुद्दा बनाया है। पार्किंग को वो बना करके अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए एक हमारा लॉकअप होता है पुलिस का, जिसमें हम दोषी बंदी जो लोग होते हैं उनको कोर्ट में पेश करते हैं और लॉकअप में बंद करके रखते हैं। जब जज उनकी कॉल करता है तो उनको लॉकअप से निकाल करके उसको पेश करते हैं। तो वहाँ ला करके गाड़ी खड़ी किया तो जो हमारा सिपाही था या जो भी वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल था, उसने उसको मना किया। उस बात को कहने लगा कि मेरा अधिकार है, मैं यहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा। वो इस बात को लेकर के उनमें तैनात नहीं होगी और उसके साथ मारपीट किया और बाकी साथियों को जा कर के बुला करके लिया और पूरा संगठित होकर के वो लोग आए और लॉकअप के अंदर गेट को तोड़ करके अंदर घुसे हैं और जो ड्यूटी पर थे पुलिस कर्मचारी उनके साथ मारपीट की है। सरकार की तरफ से अभी तक क्या कुछ रिस्पांस मिला है सर आप लोगों को? सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, सिर्फ मात्र इतना है कि आपके साथ नजायज नहीं होगा, जायज होगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे के बारे में, हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था फिर भी इसको इतना ज़्यादा हिंसक रूप मिल गया? जो दिल्ली की 30,000 कोर्ट में 4 दिन पहले जो घटना घटी है, ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि पुलिस का कर्मचारी हर समय 24 घंटे चाहे आंधी है, मी है, चाहे गर्मी है, चाहे कुछ भी है, उसमें अपना काम करता है। और ये न्याय जो हमारी सुरक्षा को लेकर के पुलिस कर्मचारी मुस्तैद है ये, और सुरक्षा को लेकर के जो मामला है उस पर जो हमला किया गया है ये, उससे तमाम प्रदेश के तमाम कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और आम जनता में गुस्सा है और सरकार से मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और दोषी जो वकील हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मांग को लेकर के प्रदर्शन है। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से कानूनी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी? अगर यदि नहीं होती तो आप क्या करेंगे सर आगे? जिसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने इस धरने को समर्थन किया है और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि इसकी न्यायिक जाँच हो। और जहाँ तक आगामी आंदोलन की बात है, अब तक सरकार मौन बैठी हुई है, देश का प्रधानमंत्री भी और देश का जो गृह मंत्री है मौन बैठे हुए हैं ये, और जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है ये, और कार्रवाई करनी चाहिए पहले गृह मंत्रालय ने, अब तक वो मौन है ये। और ये सोची समझी चाल है ये, इस चाल के तहत एक योजना बना करके न ये टकराव पैदा किया गया है। हम नहीं चाहते कि वकीलों का पुलिस का टकराव हो, जनता से टकराव हो, सदैव मतलब स्वार्थपूर्वक वातावरण बनाने के लिए मतलब पुलिस कर्मचारी तैयार रहता है और कहता है कि झगड़े पसाद ना हो। ये बीजेपी की सरकार जो केंद्र में है उसे योजनाबद्ध तरीके से झगड़ा करवाया गया ये, और कुछ सरकार के ही मतलब जो दुम छल्ले हैं जो झगड़ा किया है और बदनाम पुलिस को किया जा रहा है ये। अगर पुलिस मुस्तैद ना हो तो आज लोग एक दूसरे को मतलब मार करके खा जाए, ऐसे हालात हैं ये। और पुलिस मुस्तैद है तो आज आम आदमी की सुरक्षा मतलब जारी है ये। हाँ जी, तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी पुलिसकर्मी आपको देख पा रहे हैं, और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे सिटी बिग न्यूज़ के माध्यम से? सरकार इसकी न्यायिक जांच करवाए बकाया तौर पर, और जो दोषी वकील के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यही है। और जो पुलिस कर्मचारियों की मांगे हैं, जैसे यूनियन बनाने की मांग है,
या इसके अंदर उनकी सुरक्षा की मांग भी है, इनके कुछ कानून हैं, कुछ नियम हैं, उनको बदला जाए। पुराने कानून पुलिस के अंदर आज भी अंग्रेजों के समय के कानून लागू हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल के लगभग हो चुके हैं, कानून वो के भी घूम रहे हैं। अब नया समय बदल गया, नई हालात बदल गए, सब कुछ नया बदल गया और नए समय के मुताबिक सेवा नियम बना करके न कानून बना करके न मतलब पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा की जाए, यही मांग के साथ ही मतलब होगा। जहाँ तक 8 नवंबर को पूरे देश की जो पुलिस कर्मचारी मेंस यूनियन उसकी दिल्ली में बैठक होगी और उस बैठक के अंदर निर्णय लेंगे कि ताकि क्या अगली क्या कार्रवाई करनी है। अगर 7 तक सरकार नहीं कर दी तो 8 तारीख को जो भी पुलिस कर्मचारियों के समर्थन में तमाम जनता भी आ रही है, कर्मचारी भी आ रहे हैं, पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़क कर्मचारी संघ के जो मेंबर हैं 2.5-3 लाख कर्मचारी हैं वो भी साथ में है, तो 80,000 पुलिस कर्मचारी भी हरियाणा का है, वो भी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो सकता है इसके अंदर। सर एक बहुत ही अजीब सी बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जैसे कि जो भी लोग होते हैं लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोग लेते हैं, पुलिसकर्मी लेते हैं, और पुलिसकर्मी की कोई सुरक्षा नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मांग है, यही तो मांग कर रहे हैं, यही तो कल जो पुलिस मुख्यालय घेराव किया है वहाँ पर पुलिस कर्मचारी भी हैं, उनके परिवार भी हैं, उनकी वाइफ भी है, उनके बच्चे भी हैं, जवान लड़कियां भी सारी रात सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे थे। यही तो मांग है कि पुलिस कर्मचारियों के नियम बना करके ना उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया जाए, यही है। ये हमारी मांग में आता है कि पुलिस कर्मचारी प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए, इसकी हम काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी अनदेखी करती जा रही है जिसके कारण पुलिस कर्मचारियों पर निरंतर मारपीट की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। क्या इसको लेकर आपने कोई ज्ञापन दिया है? हमने यहाँ DC साहब को ज्ञापन दिया है, गृह मंत्री को जाएगा वो, पर भारत सरकार के गृह मंत्री के ज्ञापन दिया है, वो पुलिस के बारे में सोचें और इस घटना के बारे में उच्च स्तरीय जांच कराएं। दूसरा, अगर 8 तारीख को हमारी ऑल इंडिया पुलिस मैन फेडरेशन की मीटिंग है दिल्ली में, सभी प्रदेश के पदाधिकारी वहाँ शामिल होंगे और वहाँ निर्णय लिया जाएगा। ये सरकार अगर पुलिस कर्मचारियों के साथ हुई जाति का कोई ठीक ढंग से न्याय नहीं कर पाती है तो आगे की रणनीति तैयार की। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इनको क्या प्रावधान मिलता है और जिस तरह की जो इन्होंने मांगे सरकार के सामने रखी हैं, सरकार कब तक उन पर एक्शन लेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो मुद्दा वकीलों और पुलिस के बीच में हुआ है दिल्ली में, वो मुद्दा कब तक शांत होता है और सरकार की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आपके सामने इससे जुड़ी हुई कोई भी खबर सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले सिटीबिग न्यूज़ की टीम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटीबिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।